क्या पसंद करेंगे? कट इट! क्या बकवास है ये यार, आप पठान बने हुए हो। आप भूलिए से पठान, बातों से पढ़े लिखे लग रहे हो, लोग हंसेंगे। क्या मतलब भूलिए से पठान और बातों से पढ़ा लिखा? क्या पठान पढ़े लिखे नहीं हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन शाइन। मेरा नाम है अब्दुल्ला लाजमी, आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, हमेशा खैरियत से ही रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में बताइएगा आपको एंड पे वीडियो कैसी लगी। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जिस बेस पे है वो है ओवर वन की वीडियो, जो कि मोटिवेशनल मैसेज है। टाइटल पर लिखा हुआ है पठान करेक्टर इन फिल्म ड्रामा ओवर वन मोटिवेशनल। तो वीडियो में क्या है ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो ओवर वन जैसे कि अच्छी काफ़ी उनकी वीडियो होती हैं, कोई एक नहीं, मोस्टली वो कंटेंट तब तक नहीं चढ़ाती, वीडियो ही नहीं लगाती जब तक कोई अच्छी वीडियो ना बना ले। वो फजूल कोई ऐसे वैसे ही वो बस लगाते रो वाला साम नहीं करते। वो एक अच्छा बेशक मंथ लग जाए, दो मंथ लग जाए, अच्छी वीडियो बनाते हैं तो उम्मीद है ये भी वीडियो काफ़ी अच्छी ही होगी। तो देखते हैं आप वीडियो। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें लाजिम भाई। कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बस इसी मूवी का इस्तेमाल है, मोबाइल पे बैठे हैं तो बस इसका इस्तेमाल है। क्या हो जाए, सब्सक्राइब कर लें, बेल पे क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं। चलते हैं आप वीडियो तरफ। कहाँ है सब, ये गर्मी देखो। मैं सारी रात यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकता एक छोटे से सीन के लिए, और वो पठान बंदा कहाँ है, अभी तक नहीं आया। अरे शुक्र है आप पहुँच गए, हमें पठान एक्टर की शदीद ज़रूरत है। शुक्र है डायरेक्टर साहब, एक्टिंग करना बचपन से मेरा ख्वाब था और मुझे लगता है आज मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम सिनेरियो के हिसाब से एक्टर सेलेक्ट करते हैं। हमें एक सीन के लिए पठान का रोल चाहिए था और उसके लिए हमें पठान ही चाहिए था ताकि एक्टिंग नेचुरल हो। वैसे डायरेक्टर साहब मेरा रोल क्या है? आप चाय की दुकान में बैठे होंगे, आपके ढाबे पे कुछ लोग रुकेंगे, आपने उनसे ऑर्डर लेना है और बीच में थोड़ा फन क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा फनी होना है। मैं रेडी हूं डायरेक्टर साहब। रेडी हूं? आपने तो बोला था कोई डायलॉग्स नहीं है, बस नेचुरल रहना है। तो पठान तो बन जाओ ना। पठान बन जाओ? वो कैसे यार, समझाओ इसे। यार अपना हुलिया चेंज करो, कपड़े पहनो, लोगों को पता चले कि तुम पठान हो। मुस्तकीन इधर आओ, इसे ड्रेसिंग रूम में ले जाओ और पठान बनाओ। डायरेक्टर साहब मैं तैयार हूँ। तैयार हैं जी। अरे यार ये कहाँ से पठान लग रहा है? नहीं डायरेक्टर साहब मुझे समझ नहीं आई, मतलब पश्तो बोलनी है ताकि मैं पठान लगूं। अरे ये किस बंदे को ले आए हो? अरे बेवकूफ, के ऊपर के दो बटन खोलो, आस्तीन चढ़ाओ, पांचे ऊपर करो, कंधे पे रुमाल डालो, सर पे पकोड़ डालो ताकि पठानों वाली फीलिंग तो आए। अच्छा, चलो ऐसे ही कर लेता हूं। मैं पठान आ सही हूं। अरे अब लग रहे हो ना सही पठान, चलो अपने ढाबे पे खड़े हो जाओ, सीन रेडी। एक्शन। बाकी तो ठीक है, ये सस्ते एक्टर कहां से उठा लाए। हां साहब इधर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आप खाने में क्या पसंद करेंगे? कट इट! क्या बकवास है ये यार, आप पठान बने हुए हो। आप भूलिए से पठान, बातों से पढ़े लिखे लग रहे हो, लोग हंसेंगे। क्या मतलब भूलिए से पठान और बातों से पढ़ा लिखा? क्या पठान पढ़े लिखे नहीं होते? अबे यार होते होंगे, लेकिन हम फनी बना रहे हैं। आप सीन में इन हो जाए, आप पठान बने हुए, हमने फनी सीन बनाना है, लोगों को हंसाना है, आपके साथ मौका है एक्टर बनने का। यार इसको समझाओ। यार देखो, जैसे ये लोग आ गए और बैठ गए, आपने यहाँ पे आना है नसवार डाल के और इन लोगों से पूछना है कि ए कोचे खाने में क्या पसंद करोगे? यार फनी वीडियो बन रही है, क्यों डायरेक्टर साहब को गुस्सा दिलवा रहे हो? यार सही कर दो।
एक्शन। हाँ साहब इधर है। एगोचा खाने में क्या पसंद करेगा? बेस्ट। मुझे पता था आप में है पोटेंशियल एक्टिंग की, आप बहुत आगे जाओगे। ये हुई ना एक्टिंग, अभी नेक्स्ट सीन सुनो। अभी आप वहीं पे खड़े हो, एक बंदा आपसे पूछेगा खान भाई वॉशरूम किस साइड पे, तो आपने आना है, आपने क्या बोलना है? आंखों में इशारा करना है, मुझे को इस तरह ताओ देखे, आपने बोलना है आओ ना हम आपको छोड़ते हैं वॉशरूम। थोड़ा और फनी बनना है। समझ गया। चलो खान भाई ये वॉशरूम कहाँ पर है? वॉशरूम जाने है कोचा, आना हम आपको वॉशरूम छोड़ देता है। यार नहीं होगा मुझसे ये सीन। ओ गुस्सा क्यों नहीं होगा यार, हम फनी सीन शूट कर रहे हैं और आपकी वजह से कितने लोग हंसेंगे। कुछ लोगों को हंसाने के लिए मैं अपनी कौम का सौदा नहीं कर सकता। हाँ एक्टिंग मेरा ख्वाब जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरा हर ख्वाब पूरा हो। क्यों आपके हर फिल्म आपके हर ड्रामे में पठान का ये हुलिया बना दिया जाता है? क्यों पठान एक डॉक्टर एक टीचर एक पायलट नहीं बन सकता? क्यों आपके हर फिल्म आपके हर ड्रामे में पठान को एक चोर एक बेवकूफ एक दहशतगर्द दिखाया जाता है? हमारे खुलूस सादगी और मेहमान नवाजी को बेवकूफ़ी के साथ कंपेयर ना करें। हाँ सर मैं जा रहा हूँ, और अगर पठानों के लिए कोई अच्छा सा रोल हो तो मुझे जरूर बुलाइएगा। We value our respect. Director over one max production. तो ये थी वीडियो आज की दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेचर कम पंजाबी हो पठान हो रिस्पेक्ट तो सबको चाहिए, तो ये उनका राइट है। उन्होंने एक अच्छी वीडियो बनाई है, एक गुड मैसेज है, और बहुत बड़ी लानत भेजी है प्रोड्यूसरों पे पाकिस्तानी जो ड्रामे बना रहे हैं और मूवीज बनाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे ड्रामे देखे जाएं। हम तो ये हैं वो मुँह शक्ल है नहीं की लिखने की, इनको बस यही चीज़ें आती हैं। कुछ को माइनर पीपल कर देते हैं ड्रामे में, उसके बाद भी है आई नहीं रही ड्रामे में। ड्रामे का कुछ होता ही नहीं मारा, उनकी हर ड्रामा आएगी वो उसके साथ फंस गई वो उसके साथ भाग गई। तो पठानों के साथ ऐसे ही होता है, हर सीन में हर मूवी हर ड्रामे में पठान को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो एक अलग ही कौन है, मगर सबसे करेक्टर जो है वो मशहूर आज हम जिसकी वजह से बैठी हुई है पाकिस्तान में वो भी पठान है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसकी वजह से आज हम सुकून से बैठे हैं। अगर वो ना होते तो कितनी ताकतें लेके हर मुल्कों पर हमला कर रहा होता, ये बस उनकी वजह से ही हम बैठे हैं। बहुत से पठान हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं, और कुछ भी और भी हैं जो कर रहे हैं। आजकल तो हमारे लीडर भी पठान हैं, तो बात ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, ये बहुत बड़ा थप्पड़ मारा उन्होंने प्रोड्यूसरों के मुंह पे कि हर तकरीबन हर 95% जो है ना ड्रामे और मूवी में ऐसे ही किया जाता है, पठान का करेक्टर ऐसे ही डाला जाता है। मगर जहाँ तक हम मिलते हैं पठानों से, सब जानते हैं उनका वकार वगैरह उनकी मेहमान नवाजी, उसके बाद उनकी सकाफत ठीक है, लिबास आपने वो तो बना लिया पठान उठा लिया ठीक है बना लिया, क्योंकि वो सकाफत है हर एक ही अपनी, तो शलवार कमीज टोपी पन्ना वो तो उनका लिबास है, उस पर तो कोई जोर बनता नहीं है। मगर बाद में फिर नसवार लाजिम खानी है जी ये है तो वो है, तो नसवार तो कोई पंजाबी भी खाते हैं आधे से ज़्यादा, तो वो सिगरेट भी पीते हैं, तो वो क्या अब ठान के जैसे नॉर्मल नसवार है पंजाबी मैं ज़्यादातर सिगरेट पे लगी हुई हैं, तो क्या वो अपनी मूवीज़ में नशे ही बना दे पंजाबी को? बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है, वीडियो काफ़ी पसंद आई है, मोटिवेशनल थी, तो
इज्जत किया करें दूसरे की, आप इज्जत करेंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। ये तो नहीं आप कहेंगे मुझे इज्जत मिलती है और दूसरा पागल थोड़ी है कि उसको इज्जत ना मिले तो वो इज्जत करे आपकी। वहाँ पर मतलब ही हो सकता है, बस टाइम के लिए कर लेगा इज्जत आपकी थोड़ी सी, बाद में गाली देगा अच्छी। तो चलते हैं आप, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। वीडियो को याद रखिएगा, पठानों की इज्जत किया करो। आज जो पठान पे नहीं कोई पंजाबियाँ ने भी मारिया करो। चलो अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।